है जिसने बगैर किसी FIR के अब्दुल राजिक को पकड़ा है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि उसे कहाँ रखा गया है। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें बदले लेकिन जबरी गुमशुदगी का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। ये लवाकीन इस सर्दी में यहाँ खड़े हैं और इनका मुतालबा यही है कि जब तक अब्दुल राजिक को रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये यहीं खड़े रहेंगे। लेकिन इनका यहाँ खड़े रहना पाकिस्तान की जमहूरियत और उसके आईन पर खुद एक सवालिया निशान है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती है। इस बाप का क्या कसूर है, पहले भी इसके बेटे को अगवा करके लेकर के 11 महीने उसको इलीगल डिटेंशन में रखने के बाद आज वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका है और आज उसके बाद वो बेटा जो तरावी पढ़ने गया था उस बेटे को भी ये लोग अगवा करके लेकर गए हैं। क्या आप सब लोग इस रियासती जबर के खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या आप सब लोगों को अपने खानदान अजीज है? तो यहाँ पे जो इतनी खानदाने उजाड़ दी गई है क्या आप उस पर कभी नहीं बोलेंगे? और वो लोग जो इस सड़क के उस पार और इस पार तकलीफ में है कि ये सड़क बंद है, वो भी इंसान है, वो भी हमारी कौम है। लेकिन हमें तकलीफ देने वाली जो एक फोर्स है वो रियासत है जिसने मजबूर किया हुआ है हमारे लोगों के आज की रात वो अपने रोजे की तैयारी करने के बजाय अपने खानदान के साथ बैठने के बजाय इस सर्दी में सड़क में बैठे हुए हैं।